फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिन के बाद आया हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मैंने देखा है कि बहुत स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ और मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक बात है, मुझे मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ। किडनी का प्रॉब्लम था, उसके बाद निमोनिया हुआ था मुझे, इसी के लिए मैं रेस्ट कर रहा था। आज मैं कलकत्ता में हूँ राजमाता के साथ और थोड़े दिन के बाद मैं वापस अगरतला आ रहा हूँ। लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में, मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन देखा कि मैं बीमार हूँ, मैं शायद एम्स में हूँ, वहाँ में अमित शाह के साथ मेरी मीटिंग हो रही है या कोई और पॉलिटिकल लीडर के संग मीटिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले अपने तिपरासा लोगों को, अपने वॉरियर्स को, अपने वर्कर्स को, त्रिपुरा के आम जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ कि 99% जो मीडिया लिखता है वो, क्योंकि उनके पास कहानी नहीं है लिखने के लिए, तो जो मन में आता है वो लिख लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगरतला में मेरा तबीयत ख़राब था। डॉक्टर्स ने मुझे देखा, मेरा फीवर बहुत हाई था। उसके बाद मैं बाहर में ट्रीटमेंट के लिए गया बॉम्बे, उसके बाद मुझे निमोनिया लग गया और इसी के लिए मैं अपने घर में रिकवर कर रहा था। चेस्ट में कंजेशन था, बात करने में तकलीफ थी और सर्दी का समय है और निमोनिया को आप हल्का नहीं ले सकते हैं, इसके लिए मैं रेस्ट कर रहा था। आज मैं कलकत्ता में हूँ, राजमाता के साथ हूँ। क्रिसमस और त्रिंग के समय मैं अपने लोगों के साथ नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग सब एक संग हैं, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। और मैं सबको आने वाले साल के लिए, फॉर द न्यू ईयर 2023, मैं सबको दिल से, अच्छे प्योर मन से कहना चाहता हूँ कि आई विश यू द बेस्ट। किसी को भी, आप मेरे ओपोनेंट्स हो, आप मेरे विरोध में हो, तभी भी मैं आपको विश करूँगा फॉर क्रिसमस, फॉर थ्रिंग एंड फॉर द न्यू ईयर। मैं अपने पूरे त्रिपुरा के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, तिपरासा, मणिपुरी, कोई भी हो, हिंदुस्तान के पूरे लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आने वाले साल में हम लोग एक पॉजिटिव एटमोसफियर लाएंगे, एक ऐसा वातावरण लाएंगे जहाँ में हम प्यार को बांटें, प्यार को फैलाएं, नफरत को नहीं। हम पॉजिटिव लाइन में जाना चाहते हैं। और न्यूज़पेपर में मैंने आज, जैसे मैंने कमेंट किया कि किसी ने लिखा है कि मुझे क्या हुआ है, ये आप लोग क्यों स्पेकुलेट करते हैं? सब लोग जानते हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसका पॉलिटिकल रीज़न नहीं होता है। सर्दी का समय है, पहले से मैं बीमार रहा हूँ और आपने देखा भी होगा कि मेरा, आई हैव लॉस्ट वेट, मेरा वज़न भी कमा है, फुल ट्रीटमेंट किया है और मैं चाहता हूं कि आने वाले 2023 इलेक्शन में हम फिट होकर फाइट करें। तो प्लीज़, मीडिया 99% जो लिख रही है वो उनके मन में एक मतलब कि शायद कुछ कहानी लिखने का है नहीं, तो वो लिखते जाते हैं, कहानी बनाते जाते हैं। लेकिन अगर मुझे अमित शाह से मिलना है, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, अगर मुझे राहुल गांधी जी के संग भारत जोड़ो यात्रा में जाना है, तो मैं ओपनली जाऊंगा, मैं किसी से चुपचाप कर मिलूंगा नहीं। सो ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको मानी, एक मिनट, आई एम लाइव ऑन टीवी, आपको लगता है कि मैं कहाँ हूँ? मैं आपको राजमाता से मिलवाता हूँ। कौन है? नहीं नहीं, यू आर लाइव ऑन टीवी, राजमाता। ओह हाउ नाइस, हाँ, यू कैन वेव टू ऑल द पीपल इन, हाँ, हू आर ऑल द पीपल हियर वाचिंग मी, आई विल जस्ट फिनिश दिस देन आई विल जॉइन यू, गिव मी 5 मिनट्स। तो जहाँ रहा बात आज का कि बहुत लोग स्पेकुलेट करते हैं मीडिया में, क्यों स्पेकुलेट करते हैं? मैं जो भी बोलूँगा सामने आकर सबके सामने बोलूँगा, पीठ पीछे मुझे काम करने का शौक नहीं। मैंने पहले भी कहा है, सब लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी के संग अलायंस है, उस पार्टी के साथ अलायंस है, लेकिन अलायंस उसी के साथ होगा जो हमारा पहला स्टेटमेंट था और आज भी वही हमारा लाइन है। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन अंडर आर्टिकल 2 और 3 फॉर ग्रेटर त्रिपुरालैंड देगा, हम उनके साथ बात करेंगे। जो राइटिंग में नहीं देगा, उनके साथ सीट शेयरिंग हो या अंडरस्टैंडिंग हो, करना बेफजूल का बात है, सबका समय नष्ट होगा। इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया है,
इतने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इतना हमने कमिटमेंट दिया है, तो आज इलेक्शन के एक महीने पहले थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा सीट शेयरिंग के लिए मैं अपने वॉरियर्स को क्यों धोखा दूं? मुझे जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी में पोस्ट और नहीं चाहिए। वो पोस्ट जो आपने अपने दिल में मुझे दिया है विश्वास करके, वो पोस्ट मुझे चाहिए। मुझे कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नाम चाहिए। हमारे लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारे लोगों को जस्टिस चाहिए। 75 साल से आप जाकर गांव में देखिए कितना कष्ट होता है, और किसी को डायरिया का प्रॉब्लम, क्यों कोई मलेरिया से मर रहा है, रास्ता ठीक नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, इतना प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का समाधान एक आदमी को एमएलए बनाने से मिल जाएगा आपको? ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर कोई मंत्री बन जाए? नहीं, ये प्रॉब्लम तभी ठीक होगा जब हमारा थानसा रहेगा और हम एक आवाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोले कि आप हमारा सलूशन दीजिए, वरना हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज दरकार हमें नेता का नहीं है, आज दरकार हमें है कि अपना दिल को बड़ा करने के लिए। आज दरकार राजनीति का नहीं है, आज दरकार है कि अपना नियत को ठीक करने के लिए। आज आप एक आदमी को एमएलए और मंत्री बनाने से आपका कल्याण नहीं होगा। आज अगर आपको करप्शन को हटाना है ना, तो आप ऐसे लीडर को हटाइए जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेतागिरी के लिए पूरा स्टेट का भविष्य को दांव में लगा देता है। आप वैसे लीडर को पकड़िए। त्रिपुरा के लोग अच्छे हैं, त्रिपुरा में असल में मैंने नहीं देखा है कि बंगालीज हो, मणिपुरीज हो, त्रिपुरासाज हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, लोग अच्छे हैं।